राष्ट्रीय जांच एजेंसी को नया महानिदेशक मिल गया है। वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर वाईसी मोदी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एनआईए के वर्तमान डीजी शरद कुमार हैं। उनके रिटायर होने के बाद वाईसी मोदी एनआईए के डीजी का पदभार संभालेंगे। 30 अक्टूबर साल 2017 को उनके रिटायर होने के बाद वाईसी मोदी एनआईए के डीजी का कार्यभार संभालेंगे। वाईसी मोदी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के पद पर 30 अक्टूबर साल 2018 तक अपने रिटायरमेंट तक बने रहेंगे। इस मामले में गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। वाईसी मोदी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गुजरात 2002 में गुजरात दंगों की जांच के लिए गठित एसआईटी के हिस्सा रह चुके हैं। साल 2015 में वे सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किए गए थे। सीबीआई में नियुक्ति से पहले वाईसी मोदी शिलोंग में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के तौर पर काम कर रहे थे। वाईसी मोदी 1984 बैच के असम मेघालय कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। वे मेघालय के एडिशनल पुलिस महानिदेशक भी रहे हैं। सीबीआई में रहते हुए वाईसी मोदी गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की साल 2003 में हुई हत्या की जांच से भी जुड़े रहे हैं। कुल मिलाकर वाईसी मोदी के पास लंबा अनुभव है और ये जल्द ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी के काम आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।